So here we are, we've come a long way, and here we are putting an end to all the masala. that's a good start. All the spice. We have come a long way from playing together for a long time. The much awaited, the much anticipated, the much hype. और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर्ड क्या गुफ्तगू भैया यार probably the best one day inning that has been played by an Indian and I've saw because it's the best inning I've seen is because the quality of opposition the attack the conditions chasing 300 plus against Pakistan गौतम गंभीर बोलते हैं कि वो जो आपका नॉक था ना वो perhaps the best Indian knock है कोहली ऐसा देख रहा है कि भाई कौन से वाली इनिंग की बात होगी तो कहते हैं 2012 में जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 148 बॉल पे 183 किया था अगेंस्ट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक वो बड़ा मजेदार था बड़ा शानदार था बड़ा बेहतरीन था आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू 25 ईयर ओल्ड बॉय टेकिंग अप द टेस्ट कैप्टेंसी एंड देन व्हाट यू डिड ब्रिलियंटली वाज दैट यू हैड बिल्ट अ रियली रियली स्ट्रांग बॉलिंग आपकी गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की कि आपकी जब आप कप्तान बने तो आपकी कप्तानी के अंदर आकर इंडिया को अच्छा बॉलिंग अटैक मिला यानी इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर हुआ बट आई रिमेंबर व्हेन यू हैड दैट बंपर सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू स्कोर हीप्स एंड हीप्स ऑफ रन्स यू टेलिंग मी दैट यू केप्ट सेइंग ओम नमो शिवाय बिफोर एवरी डिलीवरी सो फॉर यू गेटिंग इनटू दैट जोन बिफोर एवरी डिलीवरी वाज चैंटिंग ओम नमो शिवाय फॉर मी लिसनिंग टू हनुमान चालीसा गॉट मी इन दैट जोन आज उन्होंने रिवील किया कि उस पूरी इनिंग्स के दौरान मैं हनुमान जी का जो है ना वो चाप कर रहा था और सारा कहते हैं आप भी ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना कि आप भी ओम नमन शिवाय तो कहते हैं ये भगवान जो होते हैं ये मैं नेक्स्ट लेवल कहते हैं मुझे एक भी बात मैंने नहीं की पूरी इनिंग्स के दौरान मगर मुझे गौतम गंभीर की एक बात बड़ी रहती है कि द मच हाइप और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर क्या गुफ्तगू भैया यार बड़ी कमाल की गुफ्तगू आई एक दूसरे की रिस्पेक्ट एक दूसरे का प्यार एक दूसरे का एहतराम दिल से दिल की बातें और 19 मिनट 19 सेकंड तो नेपियर की इनिंग्स की बात कर रहे थे गौतम गंभीर के मैं हनुमान का जो है चाप कर रहा था उनका और मैं बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे था ना उससे पहले ना उससे बाद हुआ देखिए हर इंसान के अपने बिलीव्स हैं और विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में आप ओम नमन शिवाय का आप चाप कर रहे थे देखिए अब कोई माने या ना माने हर के अंदर हर के एक बिलीव्स होते हैं कोई ओपन कर देता है कोई नहीं करता गंभीर ने बड़ी तारीफ की विराट की विराट ने बड़ी तारीफ की टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हुई दिल से दिल की बातें यहाँ क्या गुफ्तगू हुई है यार 19 मिनट 19 सेकंड की आप यकीन करें बड़े बड़े इंटरव्यूज देखे बड़ा बड़ा राइवलरियां देख विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों पॉडकास्ट की तरह बैठे हैं और आप अपने बातें कर रहे हैं क्वेश्चन से कर रहे हैं विराट कोहली कह रहे हैं गौतम गंभीर की वजह से इंडियन टीम तरक्की कर रही है जबकि गौतम गंभीर का कहना है कि विराट कोहली इंडियन टीम की जीत में अपना किरदार अदा करते रहे हैं इसी वजह से इंडियन टीम बहुत आगे आई है गौतम गंभीर का मजीद कहना था कि विराट कोहली जिस टाइम पर कैप्टन बने उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में खड़े होकर 300 चेज करना भी मुश्किल था लेकिन विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर इंडियन टीम ने 400 का टोटल चेज किया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने बड़े ग्राउंड में इतना बड़ा टोटल चेज किया सिर्फ किंग कोहली कैप्टनसी के अंदर लेकिन किंग कोहली का कहना है किंग कोहली कहने गौतम गंभीर इज अ ब्रेव क्रिकेटर गौतम गंभीर की कोचिंग में आने के बाद जब से गौतम गंभीर टीम कोचिंग संभाली है उसके बाद से टीम ने बहुत तरक्की की जितनी देर गौतम गंभीर टीम में रहे टीम नंबर वन रही गौतम गंभीर आईपीएल में रहे उतनी देर आईपीएल में टीम नंबर वन रही और जब से गौतम गंभीर ने इंडियन टीम की कमान संभाली है उस वक्त के बाद से इंडियन टीम एक भी मैच नहीं हारी पाकिस्तानी मीडिया का यही कहना है कि डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट विराट कोहली तमाम तक कैरेक्टर दे रहे हैं गौतम गंभीर को जबकि गौतम गंभीर कैरेक्टर दे रहे हैं विराट कोहली को गौतम गंभीर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी लेकिन विराट कोहली भी छोटी पर्सनैलिटी नहीं है लेकिन ये फर्क वाजे होता है स्टूडेंट टीचर का खिलाड़ी प्लेयर एंड कोच का ये रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से टीम तरक्की करती है ये रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से जो कोच है वो 100% एफर्ट करता है टीम यूनिटी होती है और इसी वजह से यही जीत कराल है इंडिया टीम की पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि आपने दुनिया के बड़े
बड़े बड़े इंटरव्यू देखे होंगे, बड़े बड़े पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन ये 19 मिनट का पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट के अंदर क्लियर वाजे हो गया कैसे विराट कोहली तमाम तक कैरेक्टर दे रहे हैं गौतम गंभीर को, गौतम गंभीर विराट कोहली को दे रहे हैं, ना कि अपने कह रहे हैं कि मैंने किया, बल्कि तमाम तक जीत अपने उस्ताद के नाम कर रहे हैं और उस्ताद तमाम तक जीत अपने शागिर्द के नाम कर रहे हैं। बड़े बड़े रिस्पेक्ट देखी है, बहुत सारी अपनी लाइफ में चीजें देखी है, लेकिन जो ये 19 मिनट 19 सेकंड देखे हैं, मजा आ गया, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ डेवोशन एंड एवरीथिंग वाज देयर। विराट वाज द होस्ट एंड गंभीर साहब वाज द गेस्ट। तो विराट साहब ने शुरू किया, बातचीत चली, उन्होंने कहा क्या कभी आपने ऐसा सोचा था जब आप क्रिकेट खेल रहे थे कि यू विल बी इन द सीट नॉट फॉर इंडिया बट यू विल बी कोचिंग इन द कोचिंग रोल। तो उन्होंने कहा गंभीर साहब ने, नो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोचिंग करूंगा, मेरा हमेशा फोकस रहता था हिंदुस्तान की टीम को आगे लेके जाना, हिंदुस्तान को आगे ले अपनी। फिर वो वर्ल्ड कप वाली इनिंग में भी उन्होंने कहा, कहते मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 पे आउट हो गया, रिग्रेट है तो मैं फिनिश नहीं कर सका, मैच मुझे फिनिश करना चाहिए था। नेपियर की उन्होंने कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग, और कहा मैं वो हनुमान जी का वो पढ़ रहा था और मुझे, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे था। आज उन्होंने रिवील किया कि उस पूरी इनिंग्स के दौरान मैं हनुमान जी का जो है ना वो चाप कर रहा था और सारा। कहते हैं आप भी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सुना कि आप भी ओम नमन शिवाय ओम नमन शिवाय। तो कहते हैं ये भगवान जो होते हैं ये मैं नेक्स्ट लेवल। कहते हैं मुझे एक भी बात मैंने नहीं की पूरी इनिंग्स के दौरान, बल्कि मुझे वीवीएस लक्ष्मण ने भी कहा ये होती है बात समझने की, ये ऐसे ही नहीं, आप जब तक आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो, जब तक ऊपर वाला आप पे मेहरबान ना हो, आपके जितने मर्जी एम्बिशन हो वो फुलफिल। फिर कोहली ने बताया कि मेरी ग्रेटेस्ट एम्बिशन यही थी कि मैं दिल्ली के लिए पहले फर्स्ट क्लास खेलूं, फिर अपने मुल्क के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं। फिर गंभीर ने बड़ी तारीफ की विराट कोहली की कि आपने जो गेम में लाया जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने कहा आपकी जो ग्रेटेस्ट एवर इनिंग्स है वो है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2012 या 2014 की बात है कि जो आपने वो इनिंग खेली 180 ऑड रन 300 प्लस चेज करना, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप था इट वाज अमेजिंग, जो आप एग्रेशन लाए, जो आपने कप्तानी की, फिर जिस तरह आपने टीम। कोहली ने फिर बताया कि जब मैं 25 साल का था मेरे पे ऑल ऑफ अ सडन ऑस्ट्रेलिया में मुझे कप्तान बनाया गया, तो जो लेगेसी आपकी गंभीर आपकी और माही भाई वगैरह की थी उसको मेंटेन। तो गंभीर साहब ने बड़ी तारीफ की कि आपने इस टीम को एक चैंपियन मेंटेलिटी में जो है ना आपने टर्न अराउंड किया। ये गंभीर भी कह रहे हैं, ये विराट भी कह रहे हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होती है इस इंटरव्यू में नजर आएगा। और वीडियो बड़ा मजेदार है, विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, और विराट कोहली कहते हैं जी एंड ऑफ मसाला, कि जो मसाला बिकता था या जो मसाला चलता था अब के एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या, कोई लड़ाई है, कोई झगड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है ऐसा वैसा। तो बड़ी अच्छी और शानदार और फ्रेंडली किस्म की गुफ्तगु हुई है। गौतम गंभीर ने उनको क्रेडिट दिया कि जो लेगेसी उन्होंने बनाई है टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे, और जो ओवरसीज जाके जीतना जो आगाज किया टीम इंडिया ने वो